हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो हेयर ड्रायर है इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। और इसका फॉल्ट के बारे में मैं पहले बता देता हूं कि इसके अंदर एक्चुअली फॉल्ट क्या है। तो इसके अंदर फॉल्ट यही है कि इसमें से हीट नहीं निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर से जो हवा है, एयर है, वो इसके अंदर से जो हीट है वो नहीं निकल रहा है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको चला के। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ इधर स्विच। और तो आपने सुन लिया होगा, तो आप लोगों को तो इस तरह से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर से हवा निकल रहा है कि नहीं। तो हवा तो निकल गया, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर से हीट नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए एक मेरे पास मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर के जरिए आप इसके जो टेम्परेचर है वो मेज़र करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया हूँ, और यहाँ पे रखेंगे सेंटीमीटर पे और सेल्सियस पे। और सेल्सियस पे रखने के बाद मल्टीमीटर को आपका इसको में हम रखेंगे आउटपुट पे, ताकि हमें तभी पता चलेगा कि इसके अंदर से हीट निकल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर पे हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर है। तो अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें से मैं ये जो हीट के लिए दिया गया है स्विच, इसको मैं फुल पे दे रहा हूँ, लेकिन ये हीट नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम इसको एयर के लिए इसको दबा रहा हूँ, देख सकते हो वो एयर तो ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन इसका जो हीट है वो नहीं निकल रहा है। तो चलिए मैं इसको खोल के आपको इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रिपेयर किया जाता है। और एक बात गाइस, कि अगर आप इस तरह के हेयर ड्रायर आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हो। ओनली फॉर 700 रुपये में आपको सेम जो हेयर ड्रायर है ये आपको मिल जाएंगे। इसका जो लॉन्गजिविटी है बहुत ही ज़्यादा दिन से, मैं इसको यहाँ पर मेरे पास आया है एक पार्लर से। तो चलिए मैं इसको खोल के इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहली बात है, तो यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों को मैं खोल लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो इसका जो कवर है वो मैं खोल चुका हूँ। तो ये जो यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, तो इसको हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हीट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे जो इसके अंदर कॉइल लगा रहता है, और उस कॉइल के अगर कट जाए या ज़्यादा दिन मतलब चलने की वजह से वो हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट होने से वो टूट जाती है अंदर से, इसलिए वो हीट होना बंद कर देती है। तो चलिए मैं ये जो मोटर है इसको खोल लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो स्विच है लगा हुआ है, वो स्विच वगैरह सब कुछ सही है, मैं मेजर करके देख चुका हूँ। तो इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बारी आते हैं मोटर को बाहर निकलना। तो चलिए मैं धीरे धीरे से मोटर को बाहर निकल रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि वो जो मोटर था इसके अंदर जो हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फैन लगा हुआ है, तो इसको मैं बाहर कर चुका हूँ। और उसके बाद आप अंदर देख सकते हो कॉइल लगे हुए हैं। तो अब मैं अंदर से कॉइल को बाहर निकलूँगा, और कॉइल को बाहर निकलने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्चुअल में हीट क्यों नहीं हो रहा है, और हीट के जो ताप है वो क्यों नहीं हमें मिल रहा है यहाँ से। तो चलिए मैं धीरे धीरे से अंदर का जो चीज़ है कॉइल है उसको मैं बाहर निकालता हूँ बहुत ही धीरे से। सो गाइस, हमने इसको बाहर निकल चुका हूँ, और निकलने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो कहीं जो इसका जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी टूट चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ से भी टूट चुका है, और यहाँ से भी टूट चुका है। तो बहुत सारे जगह पे ये ज़्यादा हीट होने की
वजह से ये टूट चुका है, तो अब हमें क्या करना है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अब हमें क्या करना है, अगर टूट चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है मार्केट से, ये मार्केट से मिल जाती है गाइस, तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपको घर पे ही ठीक करना है इस हेयर ड्रायर को, तो किस तरह से आप ठीक करोगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो चलिए, तो अब क्या करना है कि जिस जिस जगह पे ये टूट चुका है तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो आप, जहाँ जहाँ से एक कनेक्शन टूटा हुआ है, इस तरह से आप ज़्यादा उसको खींच के इसको दोबारा जोड़ सकते हो जहाँ जहाँ पे इसका कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो चलिए मैं इसको इस तरह से खींच के मैं कनेक्शन कर देता हूँ, और चाहे तो आप यहाँ पे शोल्डर भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब हम इसको जोड़ेंगे आपस में, क्योंकि दो मैंने जोड़ चुका हूँ यहाँ पे, एक और एक मैं यहाँ पे जोड़ चुका हूँ दोनों कैमरा के पीछे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसको अटैच नहीं किया हूँ। तो अब ये जो दो बच रहे होंगे, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके साथ मैं हाथ से ही जोड़ दूँगा इस तरह से, और इस जोड़ने के बाद से हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ओके हो जाएंगे। और कनेक्शन ओके हो जाने के बाद, जैसे कि देख सकते हो दो अलग अलग हिस्से है अभी, तो इसको अभी मैं जोड़ने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा हाथ में दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो नोज प्लास है इसके ज़रिए मैं इसको आपस में जोड़ देता हूँ इस तरह से। इस तरह से जोड़ दूंगा मैं, और जोड़ने के बाद में एक बार लाइव टेस्ट करके दिखूंगा कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो चलिए गाइस, इसको एक बार हम चला के देख लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ मैं हमारे पास है एक्सटेंशन बोर्ड, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्विच को ऑन कर रहा हूँ, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्विच देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही रिस्की हो जा रहा है गाइस, अगर थोड़ा सा टच हो जाए तो मुझे शॉक लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करूँगा, इस सारे स्विच को मैं अंदर डाल के आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ओके हुआ है कि नहीं। सो गाइस, अभी मैं इसको पैक कर चुका हूँ, तो अब हम देखेंगे कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो अभी इसका मैं स्क्रू नहीं लगाया हूँ, अगर ये हमें हीट नहीं अगर यहाँ से निकालेगा तो फिर से मैं इसको खोल के देखूँगा। तो चलिए मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ। तो पहले मैं इसका जो स्विच है वह ऑन कर देता हूँ। सो गाइस, ये जो हीट निकलना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो दो स्क्रू है यहाँ पे लगा दूँगा, और आप वो अगर पता चले, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा टेम्परेचर मीटर है उससे मल्टीमीटर के ज़रिए मैं आपको इसका जो टेम्परेचर निकल रहा है कि नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं तो आपको इस तरह से आप सोचोगे कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये फेक वीडियो है, लेकिन ये फेक वीडियो नहीं है। तो इसका जो ठीक हुआ है कि नहीं मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए आपको दिखा पाऊँगा, और आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली इसके आउटपुट में हमें वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं जो जुगाड़ भी कर चुका हूँ, जो मेरा मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, उसके ज़रिए आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। तो ये रहा मेरा डिजिटल मल्टीमीटर, इसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे हम यहाँ पे पकड़ेंगे इसके आउटपुट पे, तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेंटीग्रेड पे रख देता हूँ, सेल्सियस पे। आप देख सकते हो अभी 28 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी हम इसको ऑन करूँगा तो तभी आपको पता चलेगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते लगेगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। देख सकते हो अभी 61, 62, 63 अभी देख सकते हो आप, ये डिक्रीज हो रहा है। जब मैं इसको ऑन करूँगा ये इनक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो ये हेयर ड्रायर है ये बिल्कुल ओके हो चुका है, और हमारा आउटपुट भी निकलने लग गया है। तो ये अब मैं डिलीवरी कर दूँगा। तो अगर आप इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हो
आपका हेयर को सुखाने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 700 रुपये में मिल जाएंगे, 677 रुपीज़ में अभी सेल चल रहा है इसलिए, तो जाके आपको ख़रीदना है तो जाके ख़रीद लीजिएगा। और ये गाइस कि अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पे, ताकि उन लोगों को ये पता चले जिसके घर में ये है, आप घर पे ही किस तरह से इसको ठीक कर सकते हो, अगर इसके अंदर से हीट ना निकले, अगर इसके अंदर से हीट निकल रहे लेकिन इसका अंदर से एयर नहीं निकल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ठीक किया जाता है। तो इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और घंटे के भी साथ में जो नोटिफिकेशन मिले उसको भी दबा के रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो गाइस थैंक यू, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।